हेलो एवरीवन, एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड जो है दो बहुत अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है। जैसे कि आप जान रहे हो कि अभी इधर में बहुत अच्छी अपडेट आप लोगों को हम लगातार दे रहे हैं एनआईएस डीएलएड को लेकर के, और आगे भी ऐसा ही होगा ऐसा उम्मीद हम सब कर रहे हैं। तो जो अपडेट है ये बिहार के स्टूडेंट्स के लिए TRE 4 से रिलेटेड है और यूपी के बच्चे Super TET से रिलेटेड है। ये दोनों अपडेट आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है क्या क्या चीजें हैं, और साथ साथ में 5 नवंबर के केस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। 5 नवंबर का केस इन दोनों स्टेट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कैसे डाल सकता है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहली बात तो यह है कि एनआईएस डीएलएड का जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है वो है 5 नवंबर। 5 नवंबर को सुनवाई इसमें होगी, जिसमें सबसे ज्यादा जो बोल सकते हो कि उम्मीद जो है वो है बिहार के लिए। बिहार यहाँ पर एमए के साथ गया हुआ है, 5 स्टेट गए हुए हैं, उनमें से एक बिहार भी है। और बिहार में अभी TRE 4 से रिलेटेड एक अपडेट भी आ रही है। TRE 4 आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, इसलिए ये बहुत जरूरी होगा कि 5 नवंबर को बिहार के एनआईएस डीएलएड के बच्चों के फेवर में ही जो है रिजल्ट आए, ताकि वो लोग एनआईएस डीएलएड के बच्चे जो है TRE 4 में अप्लाई कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या इंफॉर्मेशन क्या TRE 4 से आया हुआ है उसको देख लेते हैं। देखो, एक कल लेटर जो है आप लोगों ने देखा ही होगा, इसमें जो है डोमिसाइल नीति से रिलेटेड है। TRE 4.0 में शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति पूर्व रूपेण लागू करवाने के संबंध में ये लेटर का मतलब, ये डोमिसाइल नीति से ये है वो तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब बीपीएससी TRE 4 के बारे में लग चुकी है, अब TRE 4 के बारे में तैयारी की जा रही है। और ऐसा उम्मीद है कि TRE 4 आप लोगों को नवंबर के लास्ट में देखने को इसकी एडवर्टीजमेंट मिल सकती है। तो यहां पर आपको, आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, 5 नवंबर हाथ से निकला तो फिर निकला, इसलिए ये उम्मीद रखना है कि 5 नवंबर को आपके पक्ष में ही फैसला हो, और इसके लिए आपको साथ मिलकर के आने की जरूरत है। बार बार आप लोगों से जो बातें की जा रही है और बताया जा रहा है कि 5 नवंबर इंपॉर्टेंट दिन है, इसको समझने की जरूरत अब आप लोगों को है। इसके साथ साथ एक और अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यह है यूपी से। यूपी वाले बच्चों के लिए 5 नवंबर का दिन इसलिए हम बोल रहे थे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा था, क्योंकि यूपी जो है एमए में नहीं गया है। उत्तर प्रदेश जो है, जो 5 स्टेट गए थे उसमें यूपी नहीं था, लेकिन अब यूपी को भी एज अ एमए वहां पर ले जाने का जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है वो तैयार कर लिया गया है। ये ट्वीट आप देख सकते हो आदर्श कुमार श्रीवास्तव जी का, जो कि ट्रांसफर पिटीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हैं, जहां से पहली उम्मीद एनआईएस डीएलएड के लिए निकल कर आई थी, ये वही है। और उन्होंने जो है ट्वीट किया है, इसको मैं आपको बता देती हूँ। यूपी के आगामी परिदृश्य को देखते हुए यूपी से भी एमए फाइल करने का निर्णय ले लिया गया है। देखो, एमए का मतलब है कि जो भी हम चीजें यहां पर लेकर के जा रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट पर्टिकुलर उस स्टेट के बारे में अगर बात करती है तो सिर्फ उस स्टेट को ही फायदा होने वाला है। जैसे भी 5 राज्य सुप्रीम कोर्ट में गए हैं अपनी बातों को लेकर, वहां से अगर सुप्रीम कोर्ट पर्टिकुलर इनके एमए पर बात करेगी तो सिर्फ इन 5 राज्यों को फायदा होगा। लेकिन ये कोशिश किया जा रहा है कि जो भी डिसीजन आए वो पूरे देश में लागू किया जाए, बट चांसेस तो इन 5 राज्यों का ज्यादा बन जाता है, इसीलिए उत्तर प्रदेश से भी अब एमए ले जाने की तैयारी हो रही है। तो एमए फाइल करने का निर्णय हुआ है, जिसका 50% से अधिक की तैयारी हो चुकी है। अभी देखो, ऐसा नहीं है कि उठे और उठ करके चल दिए कि भाई एमए लगा लेना, उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन किस बेस पे आप लेकर के जाने वाले हो, ऐसे बहुत सारी चीजें तैयारी करनी होती है, और साथ में पैसा तो है ही, जरूरत आपको पता ही है। तो ये 50% इनके अकॉर्डिंग अभी तैयारी हुई है, आगे ये लोग जो इसमें लगे हैं। एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी, जो अभ्यर्थी यूपी टेट सुपर टेट में शामिल होने के लिए याची बनने के इच्छुक है, संपर्क करें। अब क्या है कि इसमें जो प्रोसेस है, आप लोगों को वहां पर याची पेटिशनर बनना है तो आप लोग जो है इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। 2 नंबर आप लोग को दिया गया है, एक अभिषेक गुप्ता का नंबर है, एक आदर्श श्रीवास्तव का नंबर है। यहां से आप लोग कांटेक्ट करके वहां पेटिशनर बन सकते हैं। पेटिशनर बनने का फायदा जिन लोगों नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ कि आगे चल करके जो डिसीजन आता है तो अगर निगेटिव भी होता है तो पेटिशनर को स्पेशली कंसिडर किया जाता है,
और पेटिशनर्स को जो है ये मौका पहले जो है दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैसला सिर्फ पेटिशनर के पक्ष में दिया जाता है कि जो पेटिशनर है उनको ही इसका बेनिफिट मिले। इसीलिए अगर आप बनना चाहते हैं तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो लोग भी यूपी टेट सुपर टेट का वेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी हम बता दें कि यूपी टेट आपको जल्द देखने को मिल सकता है, सुपर टेट में भी आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिले, लेकिन यूपी टेट आपको इस साल देखने को मिल जाएगा। तो यूपी वाले बच्चों के लिए भी अच्छी खबर जो है जस्ट लाइनअप हुई है, और एनआईयूएस डीएलएड के अभ्यर्थी अगर यूपी से हैं तो वो चाहेंगे कि जब सुपर टेट आए तो उनको भी मौका दिया जाए। तो इसीलिए ये सारा काम जो है किया जा रहा है। तो अभी आप लोगों के लिए ये 5 नवंबर के दिन जो है ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। हम सब बस यही उम्मीद करेंगे कि 5 नवंबर को जो है एनआईयूएस डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला आए, और ये पक्ष में फैसला आने के लिए हमें अपनी तैयारी में रहना होगा। हमें जो है 3 से 4 सीनियर एडवोकेट के साथ वहां उतरना होगा। एमएचआरडी, एनसीटी, एनआईओ, सीवी शर्मा, इन सब के भरोसे हम नहीं रह सकते। ठीक है, ये लोग आए हैं, अपना वकालतनामा वहां पे जो है फाइल किए हुए हैं, तो अपनी अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ 5 नवंबर को जाना होगा, ताकि हमारे हाथ से TRE4, ये बिहार का मामला, यूपी का सुपर टेट, ये सब मामला हाथ से ना निकले। क्योंकि ऑलरेडी बिहार में TRE1 जो सप्लीमेंट्री वाले बच्चे थे, TRE2, TRE3, ये मामला हाथ से निकल चुका है बिहार के लिए। तो ये भी काम हो रहा है कि TRE2 एंड TRE3 में उनको मौका नहीं दिया गया है, उस पर भी बात की जाएगी कि ये उनके साथ एक नाइंसाफी ही हुई है। तो ये सभी चीजें भी की जा रही है। तो अभी स्ट्रेटजी और रणनीति की अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से बना करके चली जा रही है। अभी कुछ और अपडेट है जो हमारे पास आए हुए हैं, जो अच्छे अपडेट है, बहुत गुड न्यूज है, लेकिन अभी हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हर चीज को अगर शेयर कर दिया जाता है तो उसका तोड़ बना लिया जाता है, और फिर वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं हो पाएगा इसीलिए। लेकिन ये जरूर है कि जो टीम लगी हुई है पूरी तरीके से सोच समझ करके रणनीति बना करके चल रही है, जो आपके फायदे के लिए ही काम हो रहा है। अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी और कोई ऐसी चीजें होंगी जो आपके साथ शेयर करना है, तो डेफिनेटली हम अपने चैनल के माध्यम से ही आपके साथ शेयर करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।